जी हाँ नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि राम मंदिर के निर्माण में ऐसा एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि जो कि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा अद्भुत दृश्य ना कभी देखने को मिला था और ना ही कभी देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या में बहुत राम मंदिर को जोर शोर से निर्माण चल रहा है और वहाँ पर रामलला के प्राण प्रतीक्षा के लिए देश भर में तैयारियाँ चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी बहुत बड़े बड़े कथावाचक वहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी देशवासियों को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं कि 22 जनवरी को आना है और रामलला के प्राण प्रतीक्षा के लिए देश भर में आयोजित किया जा रहा है और 6000 विशेष इनविटेशन भेजा गया है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी होता है। और ये भारत के नंबर वन मंदिर है, वहाँ पर दोस्तों एक ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है जो कि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर साक्षात नाग देव से, नाग लोक से नाग देवता आए हैं और नाग देवता वहाँ पर प्रकट हो गए हैं, जो कि ये देखने को दृश्य कभी नहीं मिला था, क्योंकि नाग देवता वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि जैसे हनुमान जी और श्री राम जी के दर्शन करने के लिए नागलोक से नाग देवता वहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो शंकर भगवान ने उनको वहाँ पर भेजे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत में सबसे बड़ी मंदिर वहाँ पर बन रहा है और वहाँ पर जाने का रास्ता भी आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो जाने का रास्ता इस वीडियो में बताएंगे। और जो यात्रीगण वहाँ पर जा रहे हैं, श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं 22 तारीख को, उनके लिए रहने खाने का व्यवस्था कैसे किया गया है, यूपी सरकार ने उनके लिए क्या फैसिलिटी दी है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूपी सरकार एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है होली अयोध्या ऐप, जो कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो वहाँ पर जाते हैं, पहले जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे आपको वहाँ पर दर्शन करने को नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर रूम नहीं मिलेगा, जो ठहरने का होटल वगैरह है कैसे मिलेगा, इस वीडियो में सारा कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं, वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अयोध्या के जो लोग हैं वहाँ पर, जो उनका वहाँ का निवासी है, उन लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है। जिसके घर है और जिसके होटल है उनको बहुत सारी रोजगार है, दुकान वगैरह भी लगाए हैं और जिनके घर है वो रेंट पर दुकान भी, अपना घर भी दे रहे हैं और उनका किराया 1500 से 2000-2500 तक रुपया मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी रोजगार है। और टिकट कैसे बुक करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से या गूगल प्ले से कहीं से भी आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, होली अयोध्या ऐप, और उसमें अपना आप लॉगिन कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी रूप से उसको लॉगिन कर लेंगे, आपके नंबर डालेंगे फ़ोन नंबर तो ओटीपी आएगा, ओटीपी के द्वारा उसको लॉगिन करके उसमें सारा फीचर दिया गया है कि आप रूम लेना चाहते हैं, होटल लेना चाहते हैं, कैसे जाना है और क्या क्या फैसिलिटी है, सारा ऐप में बताया गया है। तो योगी सरकार, जो यूपी के सीएम है, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है, तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले और 22 तारीख को भगवान श्री राम को दर्शन करने अयोध्या पहुँचे। और दोस्तों अगर आप भी सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।